वेलकम टू माई चैनल इस वीडियो में हम इंटरेस्टिंग सी जी सी बॉम्ब पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ब्रिंगिंग द रेन टू अपति प्लेन सो बेटा इसमें बहुत ही मजे की बॉम है जो के है जी एक लैंड के बारे में जिसमें देखेंगे कि पहले उस लैंड में बहुत ज्यादा यू कैन से ग्रीनरी है देर इज ग्रीनरी एवरी एयर देर इज है बट एक टाइम आएगा जहाँ पे चीजें जो हैं वो चेंज हो जाएंगी सो so, कैसे थिंग्स आर गोइंग टू चेंज लेट सी This is a great kapati plain, all fresh and green from the freaking rains. You see, there is a ramming scheme, plain and rains. So uh, this poem uh, is actually telling about the kapati plain. Kapati plain is the land, greenery. This is why the poet is saying that this is the great kapati plain, great kavardos Why? Because there is greenery fresh. Uh, freshness everywhere and also there is rain. African rain. It means that this land is somehow related to the Africa. or this is a land where people are Africans. And freshness. Hai. So uh, before to start let me introduce the poet. Poet is Werner ardemar of this poem. So bete, uh, this poem is uh, actually fantasy. Don't think that this is the reality. Obviously it is not reality. एंड फंटस uh, ही होगी जिसमें कुछ चीज़ें जो तो हैं जब आप पढ़ेंगे तो विद द पैसेज ऑफ तो टाइम आपको समझ आएगी कि जी वाकई ही एक फंटसी है तो क्या हो रहा है पोयट उसको कह रहे हैं कि ये ग्रेट कपटी प्लेन है क्यों बिकॉज ऑफ द अफ्रीकन रेन अफ्रीकन रेन की वजह से हर जगह पे फ्रेशनेस है और ग्रीनरी है ठीक है आप देखेंगे और क्या फीचर्स हैं इसके अ सी ऑफ क्रॉस फॉर द ग्राउंड बर्ड्स टू नेट्स मीन दैट के सी ऑफ क्रास सी के नॉट बी ग्रास लेकिन ये कह रहे हैं so so कि सी सी जितना vast और जितना डीप है उसी ग्रास भी पूरे लैंड पे फैली हुई है और किसके किस लिए फॉर द ग्राउंड बर्ड्स टू नेस्ट इन कि यहाँ पे ग्राउंड बर्ड्स जो हैं यानी जितने भी बर्ड्स हैं वो जहाँ पे नेस्ट कर सकते हैं एंड इन अब देखिए नेस्ट इन इन इज ऑल्सो राइमिंग स्कीम हेयर इन द फर्स्ट टू राइमिंग स्कीम प्ले इन रेन एंड देयर इज नेस्ट इन रेस्टिन सो द पोइट इज व्हाट डज़ इट मीन इट मीन्स दैट कि आप समटाइम्स uh, स्किन पे पैचेज बन जाते हैं और सेम इज द ग्राउंड या आप देखेंगे कुछ लैंड होता है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के आपको पैचेस नजर आते होते हैं कहीं कहीं से ग्रीन है और कहीं से आपको मट्टी नजर आ रही है दिस इज वॉट वी कॉल पैचेस ऑफ शेड और वाइल्ड क्रिएचर इट मीन दिस इज द वाइल्ड क्रिएटर इसके वाइल्ड क्रिएचर इन पैचेज ऑफ शेड्स में रेस्ट कर सके So you see that there is a very uh, cozy and warm place, and very everything there is very settling environment for the people, for the uh, sorry, not for the people, for the animals, even for the birds. And with the acacia trees for giraffe to browse on, what does it mean? Browse on mean to feed someone. So the poet is saying that there is an acacia tree for the giraffes of giraffe ke liye acacia tree. Just say,

काउस के लिए यहाँ पे कपति प्लेन में ग्रास है बहुत ज्यादा जिसकी वजह से वो अपने काउस को यहाँ पे फीड कर सकता है अब क्या होने लगे अब आपने देखा पीछे हर जगह हैप्पीनेस है वाइल्ड क्लियचर्स जो हैं उनके लिए जगह है बर्ड्स के लिए जगह है यानी कि कपति प्लेन पे एवरी वन इज हैप्पी और उसको उसकी नीड की हर चीज मिल रही है एवन रेन है बारिश है हरियाली है सी ऑफ ग्रास है अब क्या होने वाला है अब थिंग्स वुड बी चेंज फ्रॉम द नेक्स्ट हाउ लेट्स सी देयर इज अमिंग स्कीम अब क्या कह रहे हैं जी राइटर सॉरी पॉइंट क्या कह रहा है पॉइंट कह रहा है कि एक साल ऐसा हुआ जब बारिश जो थी वो डिले होगी बिलेटेड डिले होगी नहीं आई बारिश लेट हो गई अब क्या हुआ बिग वर्ल्ड क्रिएटर्स माइग्रेटेड अब सारे जितने भी क्रिएटर्स हैं जिनके पास पैच शेड्स थी ऑबियसली आप नहीं दी तो वो क्या होंगे माइग्रेट कर जाएंगे बेटे आप अगर कहीं भी किसी भी जगह पे होंगे और वहाँ पे आपको आपकी जरूरत की चीजें नहीं मिल रही और अब एक टाइम था जब आपको हर चीज मिल रही थी और जब आपको नहीं मिल रही तो ऑब्वियसली वट वुड यू डू आप उसी जगह की तरफ माइग्रेट करोगे ना जहाँ से आपको फैसिलिटी मिले सो सेम इज द विद वाइल्ड क्रिएटर्स के जब तक उनको हर चीज़ मिल रही थी दे वर हैप्पी अब नहीं है थिंग्स आर डिफरेंट नाउ सो दे माइग्रेटेड दैन कीपेड्स है टेरेबल डॉ एंड दिस स्टोरी टेल्स हाउ इट ऑल केम अबाउट अब कीपेड कौन है कीपेड इज एक्चुअली द पर्सन और दर्स मैन जिसके पास बहुत ज्यादा वाइल्ड क्रिएटर एंड ही इज ऑल्सो वेरी वरीड अबाउट हिज वाइल्ड क्रिएटर्स तो अब वो क्या कह रहा है बहुत ज्यादा टेरिबल है और वो इस टेरिबल डौड, कि एक टाइम पीरियड जहाँ पे रेन नहीं होती तो वो बहुत ज्यादा परेशान है और चाहता है कि किसी तरह मेरे, जो वाइल्ड क्रिएटर्स है उनके लिए भी एक रूम निकले और उनके लिए भी कुछ खाने के लिए कुछ इस तरह की हरियाली जो है ये कपति प्लेन अगेन ग्रेट हो जाए ठीक है दैट्स वाई कीप इट वॉन्ट टू डू सम वाई ही वॉन्ट टू डू सम

अब यहाँ पे दिस इज द क्लाउड अगेन यहाँ पे रेपिटेशन हो रही है सो इट्स मीन दैट यू हैव टू फोकस ऑन द पोइटिक टूल एज वेल ठीक है पोइटिक टेक्निक्स जो राइटर ने यूज़ किए हैं उस पर भी फोकस करें अब ये क्या कह रहा है कि एक क्लाउड है आसमान पे बहुत ज़्यादा बारिश उसमें भरी हुई है हैवी है फुल ऑफ रेन है और उसने ग्रे, पूरे कपाती प्लेन पे ग्राउंड पे शेडो यानी एक साया किया हुआ है कि एक आप आपके माइंड में एक इमेजरी क्रिएट हो रही है कि कैसे क्लाउड जो है वो फुल ऑफ रेन जो है वो हमें नज़र आ रहा है सो दिस वॉज द शूट दैट पर्स द क्लाउड एंड लूज द रेन विद थंडर लाउड लाउड का वर्ड उन्होंने यूज किया है साथ एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ इट मीन दैट दिस इज क्रिएटिंग द रिदम इन द फॉर्म अब जी हम देखेंगे कि नेक्स्ट इस पोम में क्या होने वाला है दिस वाज अ शूट दैट पोर्स द क्लाउड एंड लूज द रेन विद थंडर लाउड अ शॉट फ्रॉम द बाउ सो लॉन्ग एंड स्ट्रांग एंड स्ट्रांग विद अ स्ट्रिंग अ लेदर थोंग आपने देखा लॉन्ग स्ट्रांग स्ट्रांग स्ट्रिंग ये क्या है राइमिंग स्कीम ठीक है राइमिंग स्कीम यानी कि रिदम क्रिएट की जा रही है पोम में अब एक्चुअली पर जो है वो यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है कि कीपर जो था उसने देखा कि मैंने इस जो क्लाउड मुझे नज़र आ रहा है ना इसको मैंने शूट करना है और हो सकता है इसमें से रेन जो है बारिश हो निकल है अब वो क्या करेगा And strung with a string, a leather thong, a bow for the arrow, Keeper put together with a slender stick, and an eagle feather from the eagle who happened to drop a feather. A feather that helped to change the weather, it fell near Keeper who watched his herd as he stood on one leg like the big stock bird. Keeper whose cows were so hungry and dry, they moved for the rain to fall from the sky, to green up the grass, all brown and dead, that needed the rain from the

यानी कि तीर खुमान जो है उसे उसको आपने पकड़ा हुआ है और आपने एक एरो जो है वो मतलब अपना एक निशाना जो है वो लगाया हुआ है कि आपने इसको क्लाउड को शूट करना है दिस इज सेम इज द केस विद द कीपैड के वो खड़ा है और क्लाउड हैवी क्लाउड को देख रहा है और अचानक से वहाँ वो शूट कर देता है और क्या हो रहा है कि वो जो क्लाउड था वो बस्ट हो गया और सेकेंडली उसका जो Uh, जो उसने तीर को मन पकड़ा हुआ था यानी कि वो जो निशाना जनी जो भी होता है उसको क्या कहते हैं आई डोंट थिंक सो तो उसने वो पकड़ा हुआ है तो उसमें से साथ ही उसके एक लेदर यानी कि उसके साथ एक फैदर भी है किसका फैदर है ईगल का फैदर और वो जैसे ही उसने क्लाउड को शूट किया है फैदर जो है वो भी गिर गया नीचे आया उसके पास आके गिरा और सडनली उस फैदर की वजह से मे भी जो सारी वेदर uh, था वो चेंज हो गया और बारिश हो गई इट्स मीन दैट के वो जो हैवी क्लाउड हमें नज़र आ रहा था फुल ऑफ रेन बस्ट आउट क्यों क्योंकि ती उसने क्या किया निशाना लगा के जी बारिश ले आया ठीक है सो नाउ देयर इज हैप्पीनेस एवरी वेयर देर इज ग्रीनरी एवरी ऑब्वियसली वाइल्ड क्रिएटर विच विल कम बैक और हर जगह पे दोबारा से कपाती प्लान विल बी ग्रीन ब्रेट ठीक है तो ये आ, बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग सीसी सी फॉर्म थी जो कि एक नावल आई थिंक सो इसी के नाम पे है उस पर बेस कर रही है और आ, इसकी फॉर्म भी लिखी हुई है जो कि फेंटेसी है और फॉकलोअर है आई होप ही आपने एंजॉय किया होगा इससे रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है कुछ भी शेयर करना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में